नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर के स्वाट और सर्विलांस टीम थाना नजीबाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। नजीबाबाद में सार्फा की दुकान से सोना लूटकर अभियुक्त फरार हो गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को घटना में इस्तेमाल अवैध शस्त्र और नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहाँपुर में केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल और हर घर जल योजना में भर्ती के नाम पर ठगी हुई है। सरकारी योजना जल जीवन मिशन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सरगना सहित दो ठग गिरफ्तार हुए। लखनऊ के हजरतगंज में ठगों ने अपना हेड ऑफिस बनाया था। जल जीवन मिशन योजना में नौकरी देने के नाम पर ठगी करते थे। अब तक 3,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर शिकार बना चुके हैं। गिरफ्तार ठगों के पास से जल जीवन मिशन का स्टिकर लगी सैकड़ों टी शर्ट, फोटो लगे फॉर्म, फर्जी नियुक्ति पत्र, कंप्यूटर प्रिंटेड और बड़ी तादाद में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक बरामद हुए हैं। साइबर सेल की मदद से थाना कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर चलते एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। एम्बुलेंस में सवार चालक, परिचालक समेत तीन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके से गुजर रहे भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चिकेत ने अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस में लगी आग को बुझाने की मदद की। देवबंद के फ्लाईओवर की घटना बताई जा रही है। स्टेट हाईवे पर एम्बुलेंस में भीषण आग लगी, अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया, प्रशासन ने राहत की सांस ली। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाने के गणेशपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच की तो नारा लगाने वाले युवक की शमशेर अली के रूप में पहचान हुई है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रहा है उसमें लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। सीओ आलोक प्रसाद ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में मुरादाबाद के सड़कों पर करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता उतर आए और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। करणी सेना के कार्यकर्ता ने हाथों में नुपुर शर्मा के फोटो लगे समर्थन में नारे लिखे हुए थे। ये कार्यकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुरादाबाद के नारे भी बुलंद करते हुए चल रहे थे। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही साथ करणी सेना के कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडा थामे काफी देर तक नारेबाजी करते रहे और अपना विरोध दर्ज कराने के डीएम कार्यालय के बाहर ही बैठ गए हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का एक पार्षद जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा गया है। सिविल लाइंस पुलिस ने चक्कर की मिलक में रहने वाले वार्ड 70 के पार्षद मोहम्मद इदरीश को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया। सीओ सिविल लाइन आशुतोष तिवारी ने बताया कि पार्षद और उनके दो साथी रामगंगा किनारे जुआ खेल रहे थे, तभी गश्त पर निकली पुलिस टीम की नजर पड़ी। सीओ ने बताया कि पार्षद उसके साथियों के पास से पुलिस को ताशी गड्डी और कुछ रुपया भी मिले हैं। सिद्धार्थनगर जिले के उसका थाना क्षेत्र के नटवा ताल गांव में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सुबह उसका थाना क्षेत्र के नटवा ताल गांव में 32 वर्षीय युवक की हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। आखिरकार युवक को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से आला कसम भी बरामद हुआ है। श्रावस्ती में एक बार फिर से क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए बांध को और मजबूती देने का काम शुरू हो गया है। बांध कटने की जगह पर संभावना है, वहां बोल्टर पिचिंग का काम कराया जा रहा है। कई किलोमीटर लंबे बांध के कई हिस्सों पर युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। नेपाल की पहाड़ियों पर कुछ दिन से हो रही बारिश के चलते जनपद में बाढ़ आने की सुगाहट होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बांध की मरम्मत के लिए अधिकारियों की दौड़ भी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि बाढ़ के बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सभी तटबंधों को पूर्ण कर लिया गया है और बांध को कंप्लीट किया गया है। इसके साथ ही बाढ़ चौकियों और लोगों की राहत के लिए उपलब्ध सामग्रियों की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जिले में 66 राहत शिविर का यहाँ पर लगाए गए हैं और पशु स्थल बनाए गए हैं, जहाँ बाढ़ के समय पशुओं को रखा जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जो निरंतर 24 घंटे सक्रिय रहेगी, जिससे उम्मीद है कि इस वर्ष बाढ़ के दंश से जिले को बचाया जा सके।
कन्नौज में पिता के जन्मदिन और मां की पुण्यतिथि पर विशेष दिवस मनाया गया। मंत्री की संस्था नवोत्कर्ष के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। फोटोग्राफी और चित्रकार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतिभागियों को मंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण बोले कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का दायरा बढ़ा रही है। थटिया स्थित मंत्री के पुश्तैनी आवास के पास एक कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश बकाया बिल जमा कराने और बकाया बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने के दिए गए हैं। काशीराम कॉलोनी बदपुर गड़िया पहुंचे एसडीओ अपनी टीम के साथ। और काशीराम कॉलोनी में यहां पर 1500 आवास हैं जहां 1200 लोग निवास करते हैं। 10 साल से लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया है। ऐसे में बकायेदारों को बिजली विभाग की तरफ से नोटिस दिए गए। लोगों ने नोटिस को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लोगों की आवास के अंदर एसडीओ और बिजली विभाग की टीम को कूलर और फ्रिज चलते मिले, जिससे गुस्सा बिजली विभाग की टीम कनेक्शन काटने लगी। मामला थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है। ऐसे में ग्रामीणों और विभाग की टीम के बीच काफी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। उत्तरकाशी धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खनेड़ा के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने के कारण बंद हो गया। पहाड़ी से किस प्रकार लैंडस्लाइड हो रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये पूरा हाईवे बंद है। लगातार पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने से एनएच विभाग बाड़कोट को मुख्य रूप से सुचारू करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को आवागमन में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल डीएसपी के माध्यम से मलबा हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। केपीजे फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले अभिनेता गायक निर्माता और निर्देशक कांत प्रसाद के बेहतरीन निर्देशन में बनकर तैयार सुमधुर गढ़वाली गीतों से सजी बहुप्रतीक्षित एल्बम फिल्म उर्मा भगयानी का आज से कुछ ही देर में अब रिलीज होगा। और इस एल्बम में फिल्म उर्मा भगयानी के रिलीज पर क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। असल में सुप्रसिद्ध अभिनेता गायक निर्माता निर्देशक कांत प्रसाद मूल रूप से कोबा गाँव के रहने वाले हैं, जो पिछले 3 वर्षों से भी अधिक समय से सिने जगत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनके एल्बम फिल्म उर्मा भग्यानी को उनके गांव कोबा की शानदार वादियों में फिल्माए जाने के साथ साथ पिंडर घाटी की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया है, जो रिलीज हुआ है। योगी सरकार में गुंडों माफियाओं अवैध काम करने वालों पर पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेख सराय के रहने वाले गौकशी की घटनाओं में शामिल गैंगस्टर के मामले में शादाब कुरैशी की 12 लाख की संपत्ति कुर्की गई। इस दौरान मौके पर डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को सूचित भी किया गया। श्रावस्ती में वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य एवं प्रभागीय वन अधिकारी एपी यादव ने तहसील जमुनहा में पौधारोपण कर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने की यहां पर अपील की है। साथ ही साथ कहा कि पेड़ जितने ज्यादा लगाएंगे पर्यावरण और ज्यादा स्वच्छ और सुरक्षित होगा। तो पीलीभीत में बरसात के मौसम की दूसरी बारिश हुई। जुलाई महीने की शुरुआत होते ही झमाझम बरसात का मौसम शुरू हो गया है। तेज बारिश से शहर के नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बीते माह नगर पालिका ने शहर के नालों की सफाई कर लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन अभी भी नाले पूरी तरह से गंदगी से भरे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में यहाँ पर नगर निगम की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।